यह नौ ग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थल है। इसकी पत्रिका में मंगल होता है, मांगलिक दोष होता है, मंगल संबंधित पीड़ा होती है, उसके लिए यहाँ पर निवारण होता है। और ये कर्क रेखा का मध्य सेंटर भी है। अच्छा, कर्क रेखा के मध्य सेंटर भगवान मंगल महाराज विराजमान है। अच्छा, मंगल जो है रक्त का मालिक है। ऑल वर्ल्ड पूरे विश्व स्थल में एक ही स्थान है मंगल का, जहाँ पर ये सब कर्मकांड होते हैं। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने इस चर्चा वाले चैनल में। और आज के जिस तरीके से टाइटल में आपने नाम पढ़ के देख ही लिया होगा, तो आज हम लोग हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो उज्जैन में आज हम जा रहे हैं हमारी पहली जगह, जिसका नाम है मंगलनाथ मंदिर। अक्सर लोग इस जगह पे पूजा करने आते, तो ज़रा चलते हैं मंगलनाथ मंदिर के अंदर और कुछ लोगों से बात करते कि इस मंदिर के बारे में जो है हमें थोड़ी सी जानकारी दे सके। तो जुड़े रहिए। और अभी जो है मैं इतने प्यारे लोकेशन पे बैठा हूँ, अगर मैं कैमरा पलटाऊँ तो यहाँ का व्यू है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। ज़रा आप भी देखिए, ये देखिए, ये है मंगलनाथ मंदिर का किनारा। और ये देखिए सामने जो है कुछ इस तरीके के दृश्य है। जय महाकाल महाराज जी। जय महाकाल, नमो नारायण। तो महाराज जी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? पुजारी मंगलनाथ मंदिर महंत महेंद्र भारती, पुजारी ओम भारती जी, मंगलनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी। तो महाराज जी, आप मुझे इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो? हाँ जी, ये नौ ग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थल है। इसकी पत्रिका में मंगल होता है, मांगलिक दोष होता है, मंगल संबंधित पीड़ा होती है, उसके लिए यहाँ पर निवारण होता है। पत्रिका में चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें भाव में मंगल होता है, मांगलिक पत्रिका हो जाती है। जिनको शादी में प्रॉब्लम आती है, मंगल संबंधित बहुत सारी पीड़ा है, मंगल 21 विभाग का मालिक है, मंगल धरती के पुत्र हैं, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत क्रांति समम प्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रहमाम। मंगल धरती के गर्भ से उत्पन्न हुए। अंधकासुर नामक राक्षस था, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी और वरदान प्राप्त कर लिया कि हे भोलेनाथ, मेरे को वरदान दो अमर तत्व की। भगवान ने कहा अमर तत्व की और कुछ मांगो? तो उन्होंने कहा मेरा वंश बढ़े ऐसा मेरे को अमर तत्व दीजिए। तो उन्होंने कहा जा तथास्तु। जब उसने ये वरदान प्राप्त करके इस धरती पर, इस भूखंड पर हाहाकार मचाया, कई ऋषिगणों को मारा, ब्राह्मणों को सताया, जनता को सताया, सबने जाकर जब भोलेनाथ से विनती करी कि हे भोलेनाथ, वो अंधकासुर नाम राक्षस जो है आपका भगत है, आप उसका कुछ कीजिए, तो भगवान ने आकर जब उस अंधकासुर नामक राक्षस को इस महाकाल वन में समझाने की कोशिश करी, तो मद में चूर वह भगवान भोलेनाथ को भी ललकारा युद्ध के लिए कि भोलेनाथ अब आप भी मेरे से युद्ध कीजिए। तो भगवान ने उसकी ये भी मनोकामना पूर्ण करी, कि वो भोलेनाथ है, वो तो माया के अधिपति हैं। उनने उसके ये भी मनोकामना पूर्ण करी, भगवान भोलेनाथ ने जो है अंधकासुर नामक राक्षस से यहाँ पर युद्ध लड़ा। तो युद्ध होते होते जब इस भूमि पर आ गए, ये पूरी धरती का जो है नाभि है,
जैसे शरीर का मध्य भाग नाभि होता है ऐसे धरती का यह मध्य भाग नाभि है। यहाँ पर भगवान ने आकर व्यूह रचना रची, उनके ललाट से जो धरती पर पसीना गिरा, धरती के गर्भ से एक अंगारक गोला उत्पन्न हुआ। जैसे भक्ति शक्ति भगवान ने उस राक्षस को मारी, उसका जो ब्लड हुआ वो ब्लड पूरा उस शक्ति में स्वाहा हो गया। इस प्रकार से धरती के गर्भ से मंगल की उत्पत्ति हुई। मंगल आड़े टेढ़े क्रोध युक्त हैं, धरातल पर रखा, धरती का संतुलन बिगड़ा। तो महाकाल महाराज ने जो है अपने गोद में, भोलेनाथ ने अपने गोद में लेकर यहाँ पर विराजमान ये स्थान दिया और मंगल करो ये सब को। तो क्या पूरे भारत में ये एक ही मंगलनाथ का मंदिर है? हाँ, जैसे विश्व स्तर में स्थान, जैसे पूरा वर्ल्ड में सबका नौ ग्रह का अलग अलग स्थान और अलग अलग जन्म हुआ है। उज्जैन अवंतिका में जैसे मंगल ग्रह का ये यहाँ पर उत्पत्ति हुई है, हैं गुरु की जो है सिंध पाकिस्तान में हुई है, हैं सूर्य की कोणार्क में हुई है, हैं बुद्ध की अपने बिहार में हुई है, ऐसे अलग अलग सब जगह शनि महाराज से सिंगनापुर हुई है। तो इस मंगलनाथ की जब हम पूजा करते तो क्या बदलाव आते हैं ऐसी ज़िंदगी में जिसके लिए लोग इस जगह पे आते हैं, इस बारे में कुछ आप थोड़ा सा अगर जानकारी दे देंगे तो? मंगल जैसे नीच का मंगल रहता है किसी का, तो वो मंगल जो है उसको हर काम जैसे वो करने क्या जाता है ना क्या हो जाता है, कभी हैं कभी बाधाएं ऐसी आती है जैसे अग्नि संबंधित, एक्सीडेंट संबंधित हैं, क्योंकि रक्त का ये मतलब मालिक है। अच्छा, हाँ मंगल जो है रक्त का मालिक है। तो और न्यायालय प्रकरण होता है इसमें, ये 21 विभाग का मालिक है, मतलब मंगल ग्रहों का राजा कहा गया है, हैं तो इनके पास 21 विभाग है, सबके पास इतना विभाग नहीं है। और मंगल जो है कुमार ग्रह है, हैं ये जो सब जगह देखा आपने, जैसे काशी शिवपुरी है ऐसे अवंतिका भी शिवपुरी है। मंगल शिव रूप में जो पूजे जाते हैं, हैं अपने माता जी के साथ में बैठे हुए हैं, पृथ्वी माता के साथ में हैं। तो बस ये थी, तो धन्यवाद महाराज जी, हम आप सबका शुक्रिया करते हैं जो नारायण जय हो, सबका मंगल हो कल्याण हो, सबका मंगल हो कल्याण हो। तो महाराज जी के भी हम जो है आशीर्वाद लेते हैं, महाराज जी जय हो महाराज जी। और मैं शुक्रिया करता हूँ महाराज जी का जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। और ये कर्क रेखा का मध्य सेंटर भी है। अच्छा, कर्क रेखा के मध्य सेंटर भगवान मंगल महाराज विराजमान है। अच्छा, तो अग्नि स्वरूप है, अग्नि स्ट्रॉन्ग ग्रह है। इसकी शांति के लिए दही दूध घी शहद शक्कर और राइस का पूजन होता है। ऑल वर्ल्ड पूरे विश्व स्थल में एक ही स्थान है मंगल का, जहाँ पर ये सब कर्मकांड होते हैं। जैसे राहु केतु की दशा है, मंगल की दशा है, ये नौ ग्रहों के सेनापति ग्रह हैं। अच्छा, जैसे परिवार में कोई पिता होता है उनके नौ पुत्र रहते हैं, उसी प्रकार मंगल भी इन सब सेनापति के ग्रह राजा हैं। कोई भी पीड़ा कोई भी ग्रह की होती है, ये इनके पूजन अर्चन से उस माध्यम से इसका निवारण होता है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हाँ भाई, जय महाकाल। तो ये देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगलनाथ घाट पे। तो जिस तरीके से आपने सुना इस मंगलनाथ मंदिर के बारे में, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप तक पहुंचाने का था। मैं महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतने अच्छी तरीके से इस मंदिर के बारे में बताया। आपने जो है घर बैठे बैठे मंगलनाथ जी के दर्शन कर लिए। तो देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ भी बाधा हो, समस्या हो, तो आप शायद से इस जगह पर आ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। ये था पहला एपिसोड उज्जैन सीरीज़ का, अभी बाकी है, अभी और भी हम दूसरी अलग अलग जगह जाएंगे। तो शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरीके से बने रहिए, जुड़े रहिए और आगे भी वीडियो आएंगे। धन्यवाद।